आपको सुनवाएंगे दिव्य स्तुति, जिसे सुनने मात्र से ही आपके कष्ट भी कट जाते हैं और आप मानसिक सुकून भी महसूस करते हैं। मित्रों, आज की महादिव्य स्तुति बहुत खास है। हम आपको बता दें, श्री शनिदेव जी को वो समर्पण है और शनिदेव जी के ही मंत्र का इसमें हम आपको बता रहे हैं कि कैसे आप जाप करेंगे, कैसे उनकी व्याख्या करेंगे और कैसे शनिदेव आपके कष्ट कलेशों को दूर करेंगे, चाहे वो आपके घर के हों, चाहे आपके किसी बाहर के कोई कष्ट कलेश हो। तो आप आंखें मूंदिएगा और ध्यान करिएगा श्री शनिदेव जी का। ओम नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। इस प्रकार श्री शनिदेव का जब आप ध्यान करते हैं, उनके इस स्तुति को जब स्मरण करते हैं, तो आपके कष्ट कलेश तो दूर होते ही हैं, साथ ही साथ आपके घर की जो दरिद्रता है वो बिल्कुल दूर हो जाती है। जी हाँ, आगे हम आपको बताने वाले हैं कि धार्मिक कार्यों में आपको बायां हाथ इस्तेमाल में क्यों नहीं लाना चाहिए और अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो किस प्रकार के दुष्प्रभाव आपको जीवन में देखने को मिलते हैं। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे, दिल्ली से हमारे साथ मुकुंद जुड़े हैं। जी, स्वागत है आपका शो में। बताएं अपने बारे में और पूछिए अपना सवाल आप। हेलो जी। जी कंचन जी नमस्कार। नमस्कार आचार्य जी। राधे राधे, कोटि कोटि प्रणाम। श्री राधे, श्री राधे भैया आशीर्वाद। आचार्य जी, हम आपका शो पिछले 2 वर्षों से देख रहे हैं और हमें आपका शो बहुत पसंद आता है। मेरी माता जी और मेरे घर के सभी सदस्य आपके उपायों को अपनाते हैं और उसका लाभ पाते हैं। जी बिल्कुल, शुक्रिया आचार्य जी, बहुत कोटि कोटि प्रणाम आपको दोबारा से। मैं अपनी एक छोटी सी बहन के बारे में जानना चाहता हूँ, जो जी पीहू जिसका नाम है। जी, जन्म की तारीख। जी, उसकी जन्म की तारीख है 20 अगस्त 2014। जी, समय। समय है 9:50 सुबह के। और प्लेस। और दिल्ली में इनका जन्म स्थान है। जी बताएं अपना सवाल आप। आचार्य जी, जो हमारी ये जो छोटी बहन है, ये थोड़ी चिड़चिड़ी रहती है, क्या है ना, थोड़ा जिद्दीपन है इनमें, चिड़चिड़ा स्वभाव है और हम चाहते हैं कि ये चरित्रवान रहे। हमने बहुत उम्मीदें रख रखी हैं बच्ची से, और क्या ये बच्ची अपने फ्यूचर में एक बड़ा मुकाम हासिल करेगी, कृपया आप बता दीजिए आचार्य जी। बिल्कुल, देखिए भैया, कन्या लग्न का यहाँ जन्मांक बन जाता है। लग्न के अंदर राहु और चंद्रमा मिथुन अर्थात आपको बता दे द्वि स्वभाव राशि के अंदर। देखिए, राहु की महादशा, राहु की अंतरदशा, आप 7 तरह का अनाज लीजिएगा, इनके सर से 7 बार उल्टा घुमाइएगा, किसी बहती नदी के अंदर प्रवाह कर दीजिएगा और साथ ही साथ किसी जरूरतमंद लोगों को इनके हाथ से कुछ लेखन सामग्री, कुछ भोज्य पदार्थ सामग्री दान करवाइएगा। लाभ आपको त्वरित दिखाई देगा। यदि ऐसा ना हो पाए फिर आपको क्या करना है, 4:15 से 6:15 रति तक का आप एक पन्ना इनको धारण करा दीजिएगा, लाभ बहुत जल्दी दिखाई देगा। बिल्कुल, और आगे हम बात करेंगे आज के हमारे लकी कॉलर से भी। आप लकी कॉलर बनना चाहते हैं तो अपना नाम, अपने शहर का नाम हमें अभी इसी वक्त मेल कर दीजिए kal2.30pm@liveindia.tv पर। और चलिए अब अपने विषय पर आ जाते हैं, आपका लेफ्ट हैंड। यूं तो हम अमूमन देखा जाए तो हम राइट हैंड का ही प्रयोग करते हैं आचार्य जी, लेकिन अगर हम बात करें धार्मिक कार्यों के बारे में तो क्यों बायां हाथ वर्जित है, और अगर मान लीजिए पूजा की थाल या फिर किसी चीज को अगर हम बायां हाथ में ले लेते हैं और उसके बाद धार्मिक कार्यों को किया जाए तो क्या इसका नुकसान उठाने को मिलता है, किस तरह का दुष्प्रभाव होता है, ये जी बिल्कुल। देखिए, जितने भी धार्मिक कार्य होते हैं उसके अंदर आप अपने बाएं कार्य को, बाएं हाथ को जो है बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें, उससे बहुत सारा नुकसान हो जाता है। तो ऐसे कौन से कार्य हैं आपको ये बता देते हैं जिनके अंदर बाएं हाथ बिल्कुल वर्जित होता है। सबसे पहले आप जान लीजिए कि आरती करना, यदि आप अपने बाएं हाथ से यानी उल्टे हाथ से आरती करते हैं या फिर आरती लेते भी इसी हाथ से हैं तो ये बिल्कुल शुभ नहीं माना जाता, इससे बहुत सारे आपको जो है दुष्परिणाम जो है मिल जाते हैं। साथ ही साथ यदि आप दान करते हैं, कोई भी दान आपने जो है अपने उल्टे हाथ बाएं हाथ से कर दिया तो इसका बहुत ज्यादा जो है दुष्प्रभाव आ जाता है, और साथ ही साथ आपको दान का फल तो पूर्ण रूपेण मिल नहीं पाता, अन्यथा इसके अलावा आपको बता दें कि आपका नुकसान उल्टा और हो जाता है, और साथ ही साथ आपको आशीर्वाद भी पूर्ण रूप से बिल्कुल नहीं मिल पाता। तो इसलिए अपने बाएं हाथ का इस्तेमाल उस समय ना करिएगा। जब भी आप आरती करें या कोई दान करें तो हमेशा दाएं हाथ के द्वारा करिएगा, लाभ आपको त्वरित दिखाई देगा। जी हाँ, इसका मतलब प्रसाद भी अगर लिया जाए तो दाएं जो है बाएं हाथ से ना लिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, तो आगे भी बहुत सी जानकारियां आपको देने वाले हैं बाएं हाथ से जुड़ी हुई, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे आज के हमारे लकी कॉलर से। तो देखते हैं कौन बने हैं आज के खुशनसीब लकी कॉलर, लगाते हैं इन्हें अब कॉल। लकी कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी स्वागत है आपका शो में। सबसे पहले अपना नाम और स्थान बताएं आप। हाँ जी, मैं टीवी का वॉल्यूम बंद कर लीजिए आप। हेलो जी,
हाँ आचार्य नमस्कार। श्री राधे भैया। हाँ मैं उनके राजन का पापा बोल रहा हूँ। मेरा बेटा है जो बहुत प्रयास करता है लेकिन आप अपना नाम बताएं, अपना नाम बताएं पहले। राजन पराशकर। राजन पराशकर जी, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? हम छिंदवाड़ा से बात कर रहे हैं जी। बधाई आपको राजन जी, आज के आप हमारे लकी कॉलर हैं। बताएं कि अपने बेटे के बारे में जानना चाहते हैं आप। राजन जी सबसे पहले अपने टीवी का वॉल्यूम बंद कर लीजिए आप। जी अच्छा, अब आप बताएं जन्म की तारीख। हाँ इनकी जन्म तारीख है 29 मई 1985। जी समय। समय है 11:37। ये एएम है या पीएम? नहीं हाँ पीएम। पीएम। और बर्थ प्लेस? जबलपुर। जबलपुर। क्या सवाल है आपका? ये जो प्रयास करते हैं नौकरी के लिए, जहाँ भी हाथ डाला वहाँ उनका मतलब सफल ही रहते हैं और बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं ये। जी बिल्कुल जी बिल्कुल। देखिए भाई साहब, आपको बता दें यहाँ पर मकर लग्न का जन्मांक नीच का बृहस्पति इनके लग्न के अंदर, जैसे लग्न के अंदर माना जाता है कि बृहस्पति या कोई भी ग्रह जो है अशुभ फल नहीं देता है, लेकिन यहाँ पर बृहस्पति के बारे में आपको बता दें राहु की महादशा और चंद्रमा की अंतरदशा चल रही है, दोनों ही परस्पर जो है नैसर्गिक शत्रु भी है, लेकिन आप इनको चंद्रमा के निमित्त उपाय कराइए। देखिए करना क्या है, कच्चा दूध लीजिएगा एक पात्र के अंदर, उसके अंदर काला तिल डालिएगा, ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र का जाप करते हुए शिवलिंग पर अभिषेक कराइएगा। और मंगलवार, ये तो आपको कार्य सोमवार के दिन करना है, और मंगलवार के दिन शिवलिंग पर अभिषेक करें और साथ ही साथ अपने दाएं हाथ से, देखिए फिर हाथ का प्रयोग बता रहे हैं कि दाएं हाथ से शिवलिंग पर अच्छे से उसका लेप करने के पश्चात जल के द्वारा शिवलिंग को स्नान कराएं और थोड़ा सा जलहरी से जल लेके अपने मस्तक पर लगाएं। मात्र इतना सा उपाय करिएगा, लाभ आपको बहुत जल्दी दिखाई देगा और किसी जरूरतमंद की मदद करना आप आरंभ करिए। बिल्कुल, तो बहुत सी शुभकामनाएं आपको भविष्य के लिए। फिलहाल अब हम आगे बढ़ेंगे और अब हम आपको बताएंगे कि अब यही बायां हाथ जो लेफ्ट हैंड है आपका, और किन कामों के लिए बिल्कुल वर्जित है, और अगर उन कामों को आप करते हैं तो किस तरह के दुष्प्रभाव आपको झेलने पड़ सकते हैं आचार्य जी, और कौन कौन से काम है जिनको हमें बायां हाथ से नहीं करना चाहिए। बिल्कुल कंचन जी, देखिए और भी ऐसे बहुत से काम हैं जिनके लिए आपको अपना बायां हाथ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, वो कौन से कार्य हैं कान खोलकर आप सुनिएगा, लाभ आपको बहुत जल्दी दिखाई देगा। अपने गुरु के जिससे आपने शिक्षा को धारण की, लेकिन आपने ज्ञान प्राप्त किया, और अपने बड़े बुजुर्गों के, घर के जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं उनके कभी भी जो है आप जब आप चरण स्पर्श करने लगे तो बायां हाथ इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, और साथ ही साथ जब आप किसी को जल पिलाएं तो भी बाएं हाथ से आपको जल उसको नहीं पिलाना है, क्योंकि दुष्परिणाम आपको बिल्कुल मिलेगा इसका। और कुंडली के अंदर चंद्रमा और गुरु दोनों इससे पीड़ित हो जाते हैं, जिसके पश्चात होता क्या है कि आपको धन हानि का सामना करना पड़ता है। आप सोचते रह जाते हैं कि हमने तो ये अच्छा कार्य किया, लेकिन भैया कार्य तो किया लेकिन दाएं हाथ से नहीं किया, तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, लाभ आपको दिखाई देगा, और साथ ही साथ अपनी बाएं हाथ से कार्य करने की आदत को आप छोड़ दीजिएगा। बिल्कुल। और अब हम एक मेल पर भी चर्चा करेंगे, मेल आप भी कर सकते हैं, मेल आईडी फ्लैश हो रही है कल 2:30 PM @liveindia.tv। विक्रम राज है इनका नाम, और मुहिदीन बिहार से इन्होंने मेल भेजी है, डेट ऑफ बर्थ है 20/8/92 12:00 PM जी, और मुहिदीन बिहार बर्थ प्लेस जी। जानना चाहते हैं कि जिस भी काम के लिए ये हाथ लगाते हैं इनको असफलता ही मिलती है, काफी निराश है ये, और भविष्य कैसा है, साथ ही साथ ये भी जानना चाहते हैं कि किसी एक लड़के से ये प्यार करते हैं क्या, और इनके जो घर वाले हैं वो राजी नहीं हो रहे हैं शादी के लिए, तो कुछ उपाय बताएं ताकि इनकी लव मैरिज हो जाए। लड़की की डेट ऑफ बर्थ दी हुई है लेकिन हम चाहेंगे कि इनकी कुंडली के आधार पर आप बता पाएं कि क्या लव मैरिज के योग हैं जी। देखिए बिल्कुल यहाँ बता दें कि लव मैरिज के योग यहाँ पर जो है नहीं बन पा रहे, इस समय हमें थोड़ा सा दुख होगा ये कह के, चंद्रमा की महादशा और केतु की अंतरदशा। देखिए दशम भाव अर्थात अपने कर्म पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, सूर्य बृहस्पति और शुक्र बहुत ही बल प्राप्त करके आपके दशम भाव में विराजमान है, आपको इसका फायदा उठाना चाहिए। आप ये कह रहे हैं कि आप जिस कार्य में हाथ लगाते हैं वो सफल नहीं हो पाता, यहां पर बृहस्पति और राहु की युति है दशम भाव के अंदर इसलिए ऐसा नहीं हो पा रहा, उनके निमित्त आप उपाय करिएगा, अपने घर के अंदर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बड़े बुजुर्गों को भी मनाइएगा, हो सकता है वो मान जाए और आपके इस कार्य की ओर वो अग्रसर हो सके। और केतु के निमित्त थोड़ा सा जो स्ट्रीट डॉग होते हैं, जो गली के आवारा जो कहते हैं कि जो डॉग्स होते हैं, उनको आप खाना डालना शुरू करिए, लाभ आपको दिखाई देगा, और साथ ही साथ बड़े बुजुर्गों का सम्मान आप भरपूर करिएगा।
बिल्कुल। फिलहाल वक्त हो गया है यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक पर जाने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि कल सुबह 8 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे। कल हम आपको बताएंगे 4 दिशाएं जो हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, और आपकी 12 राशियां, यानी कि हर राशि के जातक के लिए एक खास दिशा बेहद शुभ होती है, और कुछ ऐसी दिशाएं हैं जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक हो सकती हैं। कौन सी दिशा आपके लिए शुभ है और कौन सी अशुभ, कल बताएंगे और लाभ भी बताएंगे। फिलहाल अभी आप देखिए इसकी एक झलक, हम लौटते हैं ब्रेक के बाद। का साधारण टैंक में लगातार प्रॉब्लम, तो प्लम्बर के साथ ऐसा करीबी रिश्ता जुड़ेगा ही। ले आइए सिंटेक्स का ट्रिपल लेयर्ड वाटर स्टोरेज सॉल्यूशन। सिंटेक्स, वी मेक सेंस। खबरों को देखने का हर किसी का अपना नजरिया होता है। मैं तो सिर्फ सवाल उठाता हूं, आपके सवाल, आपकी आवाज बनकर। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका। जो हम जानते हैं या जो हमने देखा है, क्या वही सच है? आइए आपको लेकर चलते हैं एक ऐसी दुनिया में जहां हर कहानी खड़ा करेगी कभी न खुलने वाला रहस्य। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, और आप देख रहे हैं कल आज और कल, दायां बायां हाथ। लेकिन दायां हाथ तो वाकई बहुत शुभ होता है हर काम के लिए, लेकिन बायां हाथ जो है कुछ कामों के लिए वर्जित है, और अगर आप उन कामों को जो वर्जित काम है अगर उन्हें अपने बाएं हाथ से करते हैं तो इसका नुकसान आपको देखने को मिलता है। ये हम आपको विस्तार से जानकारी दे ही रहे हैं। आगे भी आपको बताएंगे कि मांगलिक कार्य, जैसे घर में शादी है या फिर कोई आपने नया व्यापार खोला और उसके लिए आपने जो अनुष्ठान करवाया, पूजा पाठ जो आपने करवाई है, उस दौरान कुछ काम है ऐसे जो कि आपको अपने बाएं हाथ से नहीं करने चाहिए। ये जानकारी आपको आगे देंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी अपने मूलांक के अनुसार नोट कीजिए अपना अपना सीक्रेट नंबर। मित्रों, बंधुओं, आज शनिवार का दिन है और अष्टमी तिथि। देखिए, सीक्रेट नंबर तो हम आपको दे रहे हैं, लेकिन आज प्रयोग विधि बिल्कुल अलग रहेगी, उसको भी आप अपनाइएगा। मूलांक एक वाले नोट करें, 81 नंबर, यानी कि 81 नंबर रहेगा बहुत खास उनका सीक्रेट नंबर। और मूलांक दो वाले नोट करेंगे, 29 नंबर को, 29 नंबर को। मूलांक तीन की बारी आ चुकी है, 14 नंबर, 14 नंबर रहेगा उनका सीक्रेट नंबर। और मूलांक चार वाले नोट करें, 22 नंबर को। मूलांक पांच वाले नोट करें, 32 यानी कि 32 नंबर को। और मूलांक छह वाले नोट करें, फिर से 14 नंबर को, इनका भी आज सीक्रेट नंबर 14 ही है। और मूलांक सात वाले नोट करें, 48 नंबर को। मूलांक आठ की बारी आ गई, 62 नंबर है बहुत खास उनका सीक्रेट नंबर। और मूलांक नौ का आज बहुत खास रहेगा सीक्रेट नंबर, 91 यानी कि 91 नंबर। आज प्रयोग कैसे करना है आपको ये जानिए आप। नौ नंबर वाले भी नोट कर लें, अपने स्क्रीन पर देख लीजिए आप, 91 नंबर है बहुत खास, लेकिन प्रयोग कैसे करेंगे ये आप जानिए। आज आपको एक बिलपत्र लेना है, और अष्टमी तिथि है तो रक्त चंदन द्वारा या फिर किसी लाल स्याही के द्वारा आप अपने तीनों बिलपत्र पर, तीनों जो पत्तों पर आपको इस अपने सीक्रेट नंबर को लिखना है। इसको मोड़िएगा मत, सीधा करके किसी पेपर पे रख के अपने पास रखिएगा। फायदा देखिएगा, आपके भाग्य में चार चांद लगेंगे, लेकिन अगले दिन इसको किसी पीपल या वट वृक्ष की जड़ में अर्पण करिएगा। बिल्कुल। मोहाली से हरप्रीत जुड़ी हैं जी, आपका भी स्वागत है शो में, बताएं अपने बारे में आप। नमस्कार मैम। नमस्कार आचार्य जी। श्री राधे, श्री राधे। मैम, मैंने अपने
बेटी के बारे में पूछना है, उसकी डेट ऑफ बर्थ है 4 मार्च जी 2008 जी, समय 6:14 शाम के, और प्लेस चंडीगढ़। चंडीगढ़, क्या सवाल है आपका? मैम एक तो ना ये डरती बहुत है, एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने के लिए, बाथरूम जाने के लिए बहुत परेशान करती है, तो बहुत ही डरपोक है। और दूसरा इसका भविष्य कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा, या अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता दीजिए फिर इसका कोई उपाय। जी देखिए, सिंह लग्न की है, वैसे तो डरना इनको बिल्कुल नहीं चाहिए, लेकिन शनि और केतु की युति और साथ ही साथ सूर्य और राहु की युति इनके सप्तम भाव में। देखिए बृहस्पति बहुत ही बली होकर इनके पंचम भाव में, स्वराशि धनु राशि के अंदर बृहस्पति विराजमान है, चंद्रमा में शुक्र की अंतरदशा। आप इनके सर से 7 तरह का अनाज लीजिएगा और उसे विपरीत दिशा के अंदर आपको वारना है और किसी पीपल के वृक्ष की जड़ में अर्पण करना है, और साथ ही साथ थोड़ा सा कच्चा दूध इनके सर से 7 बार घुमा के कहीं बाहर निर्जन स्थान पर रख दीजिएगा, इनका डरना बिल्कुल बंद हो जाएगा। और हो सके तो इनके सराहने आप एक फुलका रख दीजिएगा, एक रोटी रखिएगा, और सुबह उठने के पश्चात वो किसी डॉग को डाल दीजिएगा, लाभ आपको दिखाई देगा। जी हाँ, और आइए अब आपको बताते हैं कि जो ये बायां हाथ है वो मांगलिक कार्यों के लिए क्यों अशुभ है और इसका दुष्प्रभाव क्या होता है। जी बिल्कुल, देखिए मांगलिक कार्य जितने भी किए जाएं, जो भी शुभ कर्म आप करते हैं, तो उसमें आपको जो है बायां हाथ बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना होता। क्यों ऐसा वर्जित होता है? क्योंकि यदि आप बायां हाथ लगा देते हैं तो किसी ना किसी परिणाम के अंदर आपको शुभता नहीं मिल पाती। हम तो ये कहेंगे सारे परिणामों में आपको शुभता नहीं मिल पाएगी, लेकिन हमारा जो फर्ज है आपको बिल्कुल समझाना, वो भी आप समझिए। व्यापार या नौकरी हेतु यदि आप पहला कार्य जो भी करें उसे बाएं हाथ से बिल्कुल भी स्पर्श ना करें। सपोज करो आपने इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो बाएं हाथ से आप पेन ना लीजिएगा, कोई पेपर पे सिग्नेचर ना करिएगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। और इस विशेष एक बात यह है कि जब भी आप कन्यादान जो किया जाता है वो बाएं हाथ से बिल्कुल नहीं किया जाता, हमेशा दायां हाथ उसमें इस्तेमाल करिएगा। विद्या लेखन सामग्री का दान भी आपको अपने बाएं हाथ से बिल्कुल नहीं करना है, ये दान आपका बिल्कुल नहीं लगने वाला, अन्यथा आपको नुकसान हो सकता है। और साथ ही साथ आपको बता दें मांगलिक कार्यों में जो है कोई भी आपको शुभ फल नहीं मिल पाता, लेकिन कुंडली के कौन कौन से ग्रह जो है यहाँ पर खराब हो जाते हैं ये भी जान लीजिए। शनि बुध और राहु जो है यहाँ पर पीड़ित हो जाते हैं और आप अपने स्वयं का यानी खुद का नुकसान कर देते हैं। तो आपने तो किया बहुत अच्छा कर्म, लेकिन एक समझ ना होने की वजह से, एक गलती होने की वजह से आपको यहाँ पर पूर्ण फल नहीं मिल पाता। तो अब इस चीज का ध्यान रखिएगा, हमेशा दाएं हाथ का प्रयोग करिएगा, लाभ आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। बिल्कुल, लेकिन आचार्य जी आपसे जानना चाहेंगे कि अगर कोई लेफ्टी है और बाएं हाथ का ही प्रयोग जो है वो आसानी से कर पा रहे हैं, और आपने कहा जैसे सिग्नेचर नहीं करना चाहिए, ये पेन नहीं लेना चाहिए बाएं हाथ से, तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, क्या उनके लिए भी ये परिणाम अशुभ है? नहीं नहीं, देखिए कंचन जी बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। यदि आप लेफ्टी हैं, बाएं हाथ का इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें क्या करना है? जब भी आप अपने बाएं हाथ का इस्तेमाल करें तो उससे पहले कोई मांगलिक चिन्ह किसी पुस्तक पर या किसी कागज पर आप लिख दीजिएगा उसी बाएं हाथ से, और उसके बाद फिर अपना कार्य आरंभ करिएगा, लाभ चमत्कारिक रूप में आपको दिखाई देगा। जी हाँ, और अब हम बात करेंगे महिलाओं की सेहत के बारे में। अगर आपको अक्सर चक्कर आते हैं, और गर्मियों में तो ये समस्या आम हो गया है, चक्कर आ ही जाता है, बाहर से मार्केट से सब्जी लेकर आई है तब भी आप अपने आप को महसूस करेंगे अनइजी, चक्कर आता है, आ ही जाता है, ऐसे में आप बिल्कुल स्वस्थ रहें, सेहतमंद रहें, इसके लिए अपना ये खास प्रयोग आपसे है हमने। जो प्यार से रुतबा दे शाहों से ऊंचा, जो जिद पे आ जाए तो समय को बदल देती, वही शक्ति है नारी। बिल्कुल मित्रों, आज बताने वाले हैं हम माताओं बहनों के लिए, क्योंकि वो गर्मी में कहीं भी जाएं, चाहे वो शॉपिंग करने जाएं, सब्जी परचेज करने जाएं, तो चक्कर उनको आ जाता है, कोई कारण नहीं है फिर भी चक्कर आ गया, फिर भी आप एक ही उपाय अपनाइएगा, देखिएगा कैसा चमत्कारिक लाभ आपको मिलता है। 5 तुलसी के पत्ते आपको लेने हैं, उनको स्वच्छ करने के बाद जो है उस पर मिट्टी ना लगी हुई देख लीजिएगा, उसको स्वच्छ करने के बाद उनका रस निकालना है, और 1 चम्मच शहद जिसमें भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं उसमें मिला लीजिएगा और उसका सेवन करिएगा, देखिएगा कैसे आपको चक्कर आना बंद हो जाते हैं। बिल्कुल, एमपी से चांदनी जुड़ी हैं जी, स्वागत है आपका शो में चांदनी जी, बताएं अपने बारे में आप। हेलो जी। जी कंचन जी नमस्ते। नमस्कार आचार्य जी, प्रणाम। श्री राधे, श्री राधे जी। आचार्य जी मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 10 जून 90 जी, समय
जी समय है रात 9 बजे और मनेन्द्रगढ़ में, कोरिया जिला मनेन्द्रगढ़ में हुआ है मेरा जन्म। महेंद्रगढ़। तो मेरा आचार्य जी सवाल ये है कि मेरी सरकारी नौकरी कब तक लगेगी और मेरी मैरिज कैसी होगी और मेरा मैरिज लाइफ जिससे होगा, मतलब जिससे शादी होगी वो लड़का कैसा रहेगा, किस फील्ड में जॉब करता रहेगा। जी देखिए, यहाँ पर बता दें कर्क लग्न का आपका जन्मांक बन जाता है सप्तम में शनि और राहु। बहुत ही सोच समझ के और जन्मांक को मिलाने के बाद ही आप शादी करिएगा। और अपने घर से आपको बता दें, यहाँ जो आपका घर है, जो आपका निवास स्थान है, वहां से सप्तमेश की स्थिति सप्तम में ही बनी हुई है। तो जो वहां से दक्षिण पश्चिम की तरफ जो स्थान होगा वहां वो आपको मिलेगा। और चंद्रमा में मंगल की अंतरदशा इस समय चल रही है, लेकिन राहु की दशा जब तक जून तक की आपकी दशा नहीं निकल जाती, यानी कि 10 जून जो आपका जन्म दिवस आ रहा है आने वाले समय के अंदर, उसके पश्चात ही आपका ये कार्य संभव हो पाएगा। आने वाले समय के अंदर किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसके निमित्त आप 5:15 से 7:15 रति तक का आप एक पुखराज धारण करिएगा, लाभ बहुत जल्दी देखने के लिए पाएंगे। बिल्कुल, चलिए इन्हीं अच्छी खास जानकारियों के साथ शो में आज के लिए बस इतना ही। और आचार्य जी बहुत बहुत शुक्रिया इन जानकारी के लिए आपका। श्री राधे कंचन जी धन्यवाद। और कल दोपहर 2:30 बजे हम आपको बताएंगे पंचक के बारे में। पंचक को लेकर कहा जाता है कि 5 दिन ऐसे होते हैं जब आपको कुछ काम ऐसे हैं जो नहीं करने चाहिए और कुछ ऐसे काम भी हैं जो कर सकते हैं और उनमें आपको शुभता भी मिलती है। तो कौन से काम आप ना करें और कौन से काम करें ये हम आपको कल बताएंगे। फिलहाल अभी आप देखिए इसकी एक झलक और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।